दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा MI A3 डिवाइस में तीन तरीकों से आप किस तरह स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने की कभी ना कभी हमें जरूरत पड़ती है और MI A3 डिवाइस में आप तीन तरीकों से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहला और आसान तरीका है पावर बटन को प्रेस करके रखना 2 सेकंड के लिए। जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ, पावर बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए, आपके सामने ये जो ऑप्शन है आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा और यहां से आप उसे शेयर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना। अब मैं दोनों को एक साथ प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए, जैसे ही दोनों को एक साथ प्रेस किया स्क्रीनशॉट हमारा आ चुका है। यहां से फिर वही ऑप्शन शेयर, एडिट और डिलीट आप कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो है सेटिंग्स में। तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू जो है यहां पर क्लिक करना है और एक्सेसिबिलिटी सर्विस को ऑन कर देना है। यहां पर जाके आपको इस सर्विस को ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन कर देंगे, यहां पर आपको छोटा सा एक आइकन बना हुआ नजर आएगा। हम बैक जाएंगे और जैसे ही इस आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसको स्वाइप करेंगे और यहां पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर टच करने के बाद आप कोई भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो और आप यहां से शेयर, एडिट और डिलीट कर सकते हो। तो ये जो थे, ये तीन तरीके हैं MI A3 में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के। आपको जो भी तरीका सबसे आसान लगे आप उसे यूज कर सकते हो। यहां पर जो एक्सेसिबिलिटी मेनू आया है ये भी काफी काम का मेनू है। यहां से आप कई सारे कंट्रोल जो है अपने फोन के कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा मेनू आपको इसमें मिल जाता है। तो आपको जिस तरह से भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।